आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो आज मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना। एक पैन लिया, उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स डाले हैं, टमाटो डाला है, अनियन डाला है, कैप्सिकम डाला है, थोड़ा सा गार्लिक डाला है और साथ में बेल पेपर्स इंक्लूड किए। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हो, ब्रोकली डाल सकते हो, थोड़ा सा मशरूम डाल सकते हो, कॉर्न्स डाल सकते हो। सो पनीर डाला है मैंने, देन उसके बाद चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर इंक्लूड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट उसमें इंक्लूड करूँगी और उसको अच्छे से हाथों के साथ मैश कर दूँगी। सब्जियों को हल्का सा सॉटेड ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा सॉटेड थोड़े से घी में डाल के और हाथों से उस सारे मिक्सचर को आप लोग अच्छे से मिक्स कर लें। देन आप लोग एक ब्रेड ले, ब्राउन ब्रेड को मैंने यूज़ किया, मल्टीग्रेन ओट्स की ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। ब्रेड पे मैंने लगाया है होममेड गार्लिक सॉस, ये मैंने टमाटो, गार्लिक, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची और बटर से बनाई हुई है, इनको सॉटेड करके ब्लेंड कर दिया है सिंपली बस। उसके बाद ये मटेरियल हम स्पून से लगा देंगे। मेक श्योर आप इसमें फिलिंग खूब अच्छे से करें, बिकॉज मैं इसमें वन सैंडविच ही लेने वाली हूँ, तो मैंने फिलिंग बहुत अच्छे से की है ताकि मेरा प्रोटीन इंटेक भी अच्छा हो जाए और मेरा सैंडविच जो है वो काफ़ी फुलफिल बने। सो खूब सारी सब्जियाँ डालने से आपका एक कलरफुल सैंडविच बनता है, दूसरा बहुत टेस्टी है, हेल्दी है लेना। सब्जियाँ वैसे भी आपको ईच मील में लेनी चाहिए। सो इसको एक पैन में अच्छे से ग्रिल कर लेंगे दोनों साइड से, हल्का सा घी लगा के। सो हमारा सैंडविच हो गया है रेडी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई।